सागर के खुराई विधानसभा से बीना विधानसभा लगी हुई है। ग्राम पंचायत खिमलासा को तहसील बनाने के लिए सागर कलेक्टर को आवेदन सौंपा गया। आवेदनकर्ताओं का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि खिमलासा को तहसील बनाया जाएगा, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि आप लोगों की जल्द सुनवाई होगी। मैं आपका क्या समस्या लेकर आए हैं? मनीष सेन, हम खिमलासा से आए हुए हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि खिमलासा है जो विधानसभा बीना लगती है और तहसील खुरई लगती है, जो कि हम लोगों को कार्य करवाने के लिए खुरई जाना पड़ता है। और कई बार आश्वासन मिला है नेताओं के लिए, हम सभी जो मांग लेके आए हैं कि खिमलासा को पूर्ण तहसील का दर्जा प्राप्त हो। 13 दिसंबर को तात्कालिक मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन बीना रिफाइनरी में हुआ था। उनने घोषणा की थी कि खिमलासा को पूर्ण तहसील का दर्जा प्राप्त होगा, नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त होगा, परंतु अभी तक कोई ऐसा उनका सुझाव दिखाई नहीं दिया कि अभी तक उस पर अमल हुआ। मैं आपका अनिल आचार्य, क्या समस्या लेकर आए कलेक्टर? आज हम लोग कलेक्ट्रेट में खिमलासा को तहसील बनाने के लिए एक आवेदन देने के लिए आए, क्योंकि खिमलासा एक बहुत बड़ा नगर है और तहसील नहीं बन पा रही है। तहसील खुरई है, विधानसभा है इसकी बीना, तो लोग बहुत परेशान होते हैं। ना खुरई में कोई काम होता है, ना बीना में कोई काम हो रहा है। इसके पहले तो बहुत साल पहले मालथन कर दी गई थी, तो खिमलासा के लोगों को यही पता नहीं था खुरई जाना क्या मालथन जाना, तो यही चल रहा है कई सालों से। जबकि हम लोग लगभग 18,000 की जनसंख्या है खिमलासा में, तो तहसील बनने के उसमें है खिमलासा, लेकिन नहीं बन पा रही है। ठप्पा तहसील है, तहसीलदार कभी नहीं बैठती है। पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, शासन और प्रशासन किसी का भी ध्यान नहीं है खिमलासा। और खिमलासा नगर परिषद का प्रस्तावित है? नहीं है, वो भी प्रस्तावित नहीं है। वो प्रस्तावित हुई थी एक बार, उसका राजपत्र में आया भी था, लेकिन वो कैंसिल हो गई। तहसील है ना खिमलासा में, मंडी चालू है ना खिमलासा में, नल जल योजना है ना खिमलासा में, कोई भी गौशाला है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।